हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या शुक्ला एंड वेलकम टू टारगेट विथ अंकिता। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे, जिसका प्रकरण होगा अशोक का साम्राज्य विस्तार। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने और भी टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ योजना का निर्माण करते समय सबसे पहले आपको पाठ योजना संख्या लिखना होगा। इसके बाद में छात्राध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम लिखना होगा। इसके बाद विद्यालय का नाम लिखना होगा। इसके बाद में दिनांक लिखना होगा। इसके बाद कक्षा लिखना होगा। इसके बाद विषय में लिखिएगा इतिहास। कलांश में उस बेल को लिखिएगा जिस बेल में आप पढ़ाने वाले हैं। अवधि में 35 मिनट लिखिएगा। और इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे प्रकरण, और इसमें लिखेंगे अशोक का साम्राज्य विस्तार। इसके बाद में दो हेडिंग डालेंगे, पहला उद्देश्य, दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में नंबर एक लिखेंगे सामान्य उद्देश्य, और इसमें नंबर एक लिखेंगे छात्रों को अतीत की घटनाओं का ज्ञान कराकर वर्तमान को समझने के सुयोग्य बनाना। नंबर दो, छात्रों में कालक्रम के ज्ञान को विकसित करना। नंबर तीन, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। नंबर चार, छात्रों को अतीत की घटनाओं से संबंधित सवालों के ऐतिहासिक महत्व से परिचित कराना। इसके बाद नंबर दो हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य, और इसमें नंबर एक लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, और इसमें लिखेंगे छात्र अशोक के कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बारे में जान सकेंगे। नंबर दो हेडिंग डालेंगे बोधात्मक उद्देश्य, और इसमें नंबर एक लिखेंगे छात्र अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के विषय में जान सकेंगे। नंबर दो लिखेंगे छात्र बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझ सकेंगे। इसके बाद नंबर तीन हेडिंग डालेंगे कौशलात्मक उद्देश्य, और इसमें लिखेंगे विद्यार्थी अशोक के साम्राज्य विस्तार के विषय में कौशल विकसित कर सकेंगे। अगली हेडिंग डालेंगे अनुप्रयोगात्मक, और इसमें लिखेंगे विद्यार्थी अपने जीवन में अशोक का साम्राज्य विस्तार की उचित नीतियों को अपने हित में प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे अभिरुचात्मक उद्देश्य, और इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों में अशोक का साम्राज्य विस्तार विषय में जानने तथा अध्ययन करने की रुचि उत्पन्न होगी। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे सहायक सामग्री, और इसमें लिखेंगे चार्ट पेपर, संकेतक, रोलर बोर्ड, चॉक, डस्टर आदि। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे शिक्षण विधि या प्रविधि, इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि, प्रदर्शन तथा व्याख्यान विधि। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान, और इसमें लिखेंगे छात्र सम्राट अशोक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, और इसमें कुल तीन कॉलम बनाएंगे, पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापिका कथन, तीसरा छात्र कथन। छात्राध्यापिका कथन में नंबर एक लिखेंगे मौर्य वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। छात्र कथन में लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। नंबर दो, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध का शासक किसे बनाया गया। छात्र कथन में लिखेंगे बिंदुसार। नंबर तीन, महाराज बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था। छात्र कथन में लिखेंगे अशोक। इसके बाद नंबर चार लिखेंगे सम्राट अशोक के साम्राज्यवाद विस्तार के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र कथन लिखेंगे समस्यात्मक। इसके बाद में उद्देश्य कथन हेडिंग डालेंगे, और इसमें लिखेंगे छात्रों आज हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे, और इसमें कुल चार कॉलम बनाएंगे, पहला अध्यापन बिंदु, इसके स्थान पर आप शिक्षण बिंदु भी लिख सकते हैं। दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया। तीसरा छात्र अथवा छात्र क्रिया। चौथा श्यामपट सारांश एवं सहायक सामग्री, इसके स्थान पर आप श्यामपट सार भी लिख सकते हैं। फिर अध्यापन बिंदु में नंबर एक लिखेंगे सम्राट अशोक, और छात्राध्यापिका कथन में विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालकर इसमें नंबर एक लिखेंगे सम्राट अशोक ने किस युद्ध को जीतने के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। छात्र क्रिया में लिखेंगे कलिंग का। नंबर दो लिखेंगे सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने का क्या कारण था। छात्र क्रिया में लिखेंगे समस्यात्मक। इसके बाद में स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे, और इसमें लिखेंगे महाराजा बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक को मगध का राजा बनाया गया। सम्राट अशोक युद्धप्रिय शासक था, उसने कई राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। अब उसे कलिंग पर विजय करना शेष था। कलिंग युद्ध के दौरान लाखों सैनिक मारे गए, चारों ओर खून की नदियां बहने लगी, जिसे देखकर सम्राट बहुत ही दुखी हो गए तथा कभी भी युद्ध न करने का प्रण ले लिया। अपने मन की अशांति के लिए बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तथा सभी को सत्य, अहिंसा, दया और प्रेम का संदेश देना शुरू कर दिया। इसके बाद में छात्र क्रिया लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और श्यामपट सार में लिखेंगे महाराज बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक को मगध का राजा बनाया गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे अशोक ने कलिंग युद्ध को जीतने के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इसके बाद में
अगली हेडिंग डालेंगे बोधात्मक प्रश्न और इसमें नंबर एक लिखेंगे, कलिंग के युद्ध में क्या हुआ था जिसने अशोक के मन को विचलित कर दिया था। छात्र के हम लिखेंगे, युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए जिससे सब ओर खून की नदियां बह रही थी। इसके बाद नंबर दो लिखेंगे, अशोक ने मन की शांति के लिए क्या किया था। तो छात्र के हम लिखेंगे, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में नंबर दो हेडिंग डालेंगे, अशोक का साम्राज्य विस्तार और विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालकर इसमें नंबर एक लिखेंगे, अशोक किस राज्य का शासक था। छात्र के हम लिखेंगे, मगध का। नंबर दो, अशोक के साम्राज्य विस्तार के विषय में आप क्या जानते हैं। छात्र के हम लिखेंगे, समस्यात्मक। इसके बाद में स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का मन अशांत हो गया तथा उसने अपने मन की शांति के लिए महात्मा बुद्ध के पास जाकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उसने अपना सारा ध्यान लोगों की भलाई तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया। यात्रियों की सुविधाओं के लिए उसने विश्राम गृह तथा मरीजों एवं पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए। साथ ही राज्य में जगह जगह चट्टानों पर लंबे सुंदर तथा चमकाए हुए पत्थरों पर बौद्ध धर्म से लिखे संदेशों को खुदवाए और उन्हें हर जगह गढ़वाए। उसने जीवन के बारे में अपनी प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे जिन्हें धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता है। ये महामात्र गांव-गांव नगर-नगर जाकर लोगों को सही व्यवहार करने का तरीका तथा जीवन जीने की कला सिखाते थे। अशोक के द्वारा चलाए गए उपदेशों को अशोक का धम्म भी कहा जाता है। छात्र के हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद सांपट सार में लिखेंगे, कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ था। इसके बाद में अगला पॉइंट लिखेंगे, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का मन अशांत हो गया तथा उसने अपने मन की शांति के लिए महात्मा बुद्ध के पास जाकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद में बोधात्मक प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर एक लिखेंगे, अशोक ने अपने संदेशों को किससे खुदवाए। छात्र के हम लिखेंगे, चट्टानों पर। नंबर दो, लोगों को जीवन जीने की सही राह दिखाने के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की। छात्र के हम लिखेंगे, महामात्रों की नियुक्ति की। अगला शिक्षण बिंदु में लिखेंगे हेडिंग, बौद्ध धर्म का विस्तार और विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालकर इसमें नंबर एक लिखेंगे, अशोक के पुत्र तथा पुत्री का क्या नाम था। छात्र के हम लिखेंगे, पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा। नंबर दो, अशोक ने बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए क्या किया। छात्र के हम लिखेंगे, समस्यात्मक। इसके बाद में स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को अपने संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा भी की जिसे तीसरी बौद्ध सभा भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने बौद्ध स्तूपों एवं बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए चार सिंह हमारा राजचिन्ह है जिसे अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इसके बाद में छात्र के हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे बोधात्मक प्रश्न और इसमें नंबर एक लिखेंगे, तीसरी बौद्ध सभा किसने करवाई थी। छात्र के हम लिखेंगे, अशोक ने। नंबर दो, हमारा राज चिन्ह पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए चार सिंह को किस स्तंभ से लिया गया है। छात्र के हम लिखेंगे, सारनाथ स्तंभ से। इसके बाद में मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर एक लिखेंगे, सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने का क्या कारण था। नंबर दो, अशोक ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन कौन से कार्य किए। नंबर तीन, अशोक ने बौद्ध धर्म के विस्तार एवं प्रचार प्रसार के लिए क्या किया। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे गृह कार्य और इसमें लिखेंगे, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या किया, याद करके आना है। फ्रेंड्स, अगर आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके पहले की वीडियो को देखने के लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।